दोस्तों स्वागत है आपके अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज मैं आपको थंब रूल बताने वाला हूं कि आपकी घर की कंस्ट्रक्शन अगर आप करवा रहे हो तो आपको कितना सरिया उसके लिए चाहिए, मतलब उसमें कॉलम में कितना सरिया जाएगा, बीम में कितना सरिया जाएगा, हमारा फुटिंग में कितना सरिया जाएगा, सब चीज का फुल डिटेल मैं आपको दूंगा। कंक्रीट कितना लगेगा, कंक्रीट के हिसाब से, मतलब एक अच्छा थंब रूल आपके लिए हो सकता है। अपने घर को एक क्वांटिटी निकालेंगे, मतलब स्टार्टिंग में एस्टिमेट करने के लिए इतना हमारा सरिया जाएगा, तो हमारा अभी ये रेट चल रहा है तो उस हिसाब से हम काउंट कर सकते हैं हमारा सरिये पे कितना खर्चा जाएगा। और ये भी पता चल जाएगा कि 8 mm का कितना लग सकता है, 10 mm का, 12 का कितना, 16 का कितना, 20 का कितना और 32 का कितना या 25 का कितना, सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा लो, ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। तो स्टील क्वांटिटी कैलकुलेशन है, तो सबसे पहला रूल वन क्या है, थंब रूल पहला क्या है। पहला थंब रूल है जितना हमारा बिल्टअप हो रही है एरिया, हमारा टोटल सीढ़ी को लेके, बार जो सेफ्टी टैंक है उसको लेके, हमारा प्लिंथ के एरिया के साथ और साथ में पूरा जो कंस्ट्रक्शन हो रही है वो हमारा टोटल बिल्टअप एरिया में आ जाएगा। तो उसका जो एरिया होगा अप्रोक्स, अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया 1000 square feet हमारा वो टोटल एरिया हो रहा है, मतलब 1000 square feet का घर बन रहा है। तो होता क्या है, थंब रूल क्या है, 3 से 4 kg हमारा पर स्क्वायर फीट में हमारा सरिया लगता है। जितना भी स्क्वायर फीट आपका एरिया है उससे हमें मल्टीप्लाई कर देना होता है, मतलब 3 से 4 kg हमारा एक स्क्वायर फीट में लगता है। हमारा 1000 square feet घर है तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 × 3 kg में पर स्क्वायर फीट लेता हूं तो हमारा 3000 kg है, मतलब 3 metric ton हमारा किसमें लग जाएगा, 1000 square feet के घर में सरिया लग जाएगा। अगर हम अच्छे से उसको डिजाइन करते हैं उसकी फुटिंग में, कॉलम में, बीम में, वो भी आगे मैं बताऊंगा कि कितने कितने में कौन सा डाया लगेगा। ये थंब रूल है, मतलब एक पुरानी कंस्ट्रक्शन जो हुई है उनसे ये डेटा लिया हुआ है कि हमारा 1000 square feet के 10 घर बने, उनमें क्या क्या लगा, कैसे लगा, वो ही चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगली चीज है रूल टू, इसको हम चेक भी करेंगे ये सही है या गलत। तो अगला है कि जो हमारा कंक्रीट है अरमची है वो कितना लगेगा, 0.026 और 1000 square feet, ये थंब रूल है, इसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 1000 square feet हमारा एरिया था तो 0.026 × 1000 हम करेंगे तो हमें आ गया 26 MQ हमारा क्या लग रहा है, हमारा कंक्रीट लग रहा है। अब कंक्रीट की हेल्प से हम निकालेंगे कि हमें कितना सरिया लगेगा, कितना परसेंट किसमें लगेगा, फुटिंग में कितना, कॉलम में कितना, वो सब। तो उसके लिए हमें क्या करना है, देखो हमारा फुटिंग फाउंडेशन पहली चीज, ठीक है, उसका ये आ गया। कॉलम मेन स्ट्रक्चर जो हमारे होते हैं, स्ट्रक्चर या सब स्ट्रक्चर जो हमारे घर के, स्लैब और बीम, चार ये चीजें, मोस्टली सरिया इसी में जाता है हमारा। तो पहली चीज देखना जो परसेंटेज किस हिसाब से कंज्यूम होती है घर, उसमें ये कैसे कहा मैंने, जो 10 पिछले घर की कंस्ट्रक्शन हुई है उसमें ये सब चीजें हुई है, वही चीजें मैं आपको बता रहा हूं। और 10 में हुई है तो वो एक थंब रूल बन गया कि क्योंकि अगर 11वां घर बनेगा उसमें भी ऐसा ही कुछ जाएगा, थोड़ी बहुत चेंज उसमें रहेगी। तो फुटिंग फाउंडेशन में 20% हमारा सरिया किसमें जाता है, फुटिंग और फाउंडेशन में। 30% हमारा जाता है किसमें, कॉलम में, सबसे ज्यादा हमारा जाता है कॉलम में। फिर हमारा स्लैब में 23% हमारा स्लैब में चला जाता है और बीम में हमारा 27% सरिया चला जाता है, परसेंटेज में आ गया। अभी हम बात करते हैं कंक्रीट की क्वांटिटी कितनी जाती है। तो अगर हम बात करें 26% हमारा क्या था, 26 MQ हमारा कंक्रीट हुआ था, तो 26 का अगर फुटिंग में कितना कंक्रीट जाएगा, 26 का 20% करेंगे तो 5 MQ कंक्रीट की हमारा किसमें, फुटिंग में जाएगा। फिर कॉलम के लिए 26 का अगर हम 30% करते हैं तो 7.5 MQ हमारा कॉलम में कंक्रीट जाएगा। फिर हम 26 का 23% करते हैं स्लैब के लिए तो 5.7 MQ हमारा स्लैब में जाएगा। फिर हमारा बीम में कितना जाएगा, 6.7 MQ। क्लियर। अभी मेन इंपॉर्टेंट चीज आई, थंब रूल क्या कहता है, अप्रोक्स एक अगर हम फुटिंग है 1 MQ में 90 kg सरिया लगता है, कितना, 1 MQ में 90 kg सरिया, ये थंब रूल कहता है अगर फुटिंग है। अगर कॉलम है 1 MQ में 190 kg सरिया लगता है और स्लैब में 1 MQ में 90 kg सरिया लगता है और बीम में 1 MQ में 140 kg सरिया लगता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आराम से बैठ के देखोगे समझ जाओगे।
एक लेयर हो गया, एक एम क्यूब में कितना केजी, 90 केजी लगता है, तो टोटल हमारा कितना हो रहा है, 5 MQ, 5 × 90 करेंगे हम, आ गया हमारा 450 केजी या 0.450 टन, क्लियर। और वैसे ही हमारा कॉलम में कितना जाएगा, 190 × 7.5 करेंगे 1420 केजी या 1.42 मीट्रिक टन। फिर हम वैसे ही स्लैब के लिए करेंगे 90 × 5.7, आ गया हमारा 513 केजी या 0.53 मीट्रिक टन। फिर हमारा वैसे ही बीम के लिए आ गया 6.3 × 140, 958 केजी या 0.958 टन, तो टोटल आ गया 3.3 मीट्रिक टन हमारा। तो हमारा जो पहले थंब रूल हमने किया था उसमें हमारा आया था 3 मीट्रिक टन और इसमें आया हमारा 3 मीट्रिक टन, मतलब अप्रोक्स एक साथ एक जैसा ही आ रहा है। तो इधर से हमें क्लियर हुआ, हमारा 1000 स्क्वायर फीट का अगर घर होगा तो हमें अप्रोक्स कितना 3 से 3.5 मीट्रिक टन सरिया उसमें लगने वाला है। कितना क्लियर हो गया, तो 3.5 टन का हम रेट पकड़ लेंगे। अगर 55,000 रुपया टन चल रहा है तो आप उसी हिसाब से काउंट कर सकते हो कि 2 से 3 लाख रुपए का सरिया हमारा लगेगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अभी हमारा होता है डाया 22, ठीक है, 8 mm का सरिया, 10 mm का सरिया, 12, 16, 20, 25 mm का ये यूज होता है मोस्टली। तो 8 mm का जो सरिया मोस्टली यूज होता है घर में, वो 27% हमारा जो 10 घर बने उसमें हमारा 27% कौन सा हुआ, 8 mm का हुआ, 10% कौन सा हुआ हमारा, 25 mm का, फिर 12 mm का हमारा हुआ 12%, 16 mm का हुआ हमारा 14%, 20 mm का हुआ हमारा 12% और 25 mm का हुआ 10% सरिया यूज हमारा उस घर में हुआ। तो इनका अगर हम परसेंटेज निकालते हैं, 3000 केजी था हमारा, उसका 27% हुआ 810 केजी, उसका 25% हुआ 750 केजी, उसका 12% हुआ 360 केजी, उसका 14% हुआ 420 केजी, उसका 12% हुआ 360 केजी, उसका 10% हुआ 3000 केजी। इधर से क्लियर हो गया पूरा हमारा 3000 केजी या 3 मीट्रिक टन सरिया हमारा उसमें लग रहा है। तो अभी हम बात करते हैं इसमें हमारा रेट चलेगा, जो भी मार्केट में चल रहा है, किसी का स्टील लो 55 से 60 रुपए चल रहा है, तो हम निकाल सकते हैं कि हमारा टोटल कितनी कॉस्ट उस घर को बनाने में लगेगी। मेन जो हमारा थंब रूल था वो था हमारा, ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये रहा हमारा जो 3 से 4 केजी पर स्क्वेयर फीट में लगता है। इसको पकड़ के रखना है, कोई भी घर की कंस्ट्रक्शन करोगे तो आप एक रफ एस्टिमेट, एक रफ थंब रूल बना सकते हो, निकाल सकते हो कि हमारे घर में इतना मीट्रिक टन सरिया लगेगा तो हमारा सरिया पे इतना खर्चा जाएगा, तो एक आइडिया आपको रहेगा। और एक अच्छा सरिया कौन सी कंपनी का है, कौन सा यूज करना चाहिए, इस पे वीडियो आएगी भी और एक आ भी चुकी है, एक वीडियो में लगाने वाला हूं, जेड टीएमटी वर्सेस टीएमएक्स, कौन सी कंपनी का अच्छा है, कौन सा आपको यूज करना चाहिए, उनकी स्पेसिफिकेशन, उसकी डिफरेंस उन दोनों का। तो उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन जरूर दबा लो, ऐसी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। थैंक यू गाइस।